Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu Alaikum students hope all of you will be fine inshallah taala today we will finish our chapter number 7 and then uh, we will discuss question answers so please be attentive and listen carefully let's start the manager got up and opened the door he called to the accountant mr Montgomery. Uh, he said unkindly loud, "this gentleman is opening an account, and he will deposit fifty six dollars. good morning." i rose. a big iron door stood up, stood open, at the side of the private room. "good morning," i said, and stepped into the safe. "come out," said the manager, coldly, and showed me the other way. i went up to the accountant's wicket, and poked the ball of money at him with a quick, convulsive movement. एज़ इफ़ आई वूंग कंज ट्रिक माई फेस वॉस घेस्टली पेल मैनेजर उठा और दरवाज़ा खोला उसने अकाउंटेंट को आवाज़ दी मिस्टर मोटगमरी उसने दुस्तगी के साथ बुलंद आवाज में पुकारा ये साहब अकाउंट खोलना चाहते हैं ये छप्पन डॉलर जमा करवाएँगे सुबह बखैर मैं उठा प्राइवेट कमरे के बगल में एक बड़ा आहनी दरवाज़ा खुला हुआ था सुबह बखैर मैंने कहा और मैं घबराहट में और परेशानी में उस आहनी दरवाज़े में जो दर हकीकत बच्चों एक सेफ़ जैसे होती है ना अलमारी होती है लोहे की उसका दरवाज़ा था लेकिन ये इतना परेशान हुआ हुआ था इसको पता नहीं चला कि ये अलमारी का दरवाज़ा है वो उसके अंदर घुस गया बाहर आओ मैनेजर ने रूखेपन से कहा और मुझे दूसरा रास्ता दिखाया मैं अकाउंटेंट की छोटी खिड़की पर गया और नोटों का गोला फुर्ती से झटके के साथ उसे थमा दिया जैसे कि मैं शोभाबाजी का करतब कर रहा हूँ मेरा चेहरा खौफनाक तौर पर जर्द हो गया था पोक्ट कहते हैं बच्चों पुश uh, करना धकेलना कन्वल्सिव इेगुलर वायलेंट बॉडीली मूवमेंट्स बेकायदा शिद्दत की जिस्मानी हरकत कॉन्जरिंग कहते हैं जगलिंग या शोबदाबाजी ट्रिक कहते हैं क्लेवर स्किलफुल घेस्टली कहते हैं हॉरिबली ठीक है खौफनाक तौर पर एंड पेल वाइट या कलास या फीकी रंगत का हेयर आई सेट डिपॉजिटेड द टोन ऑफ द वर्ड सीम टू मी टू मीन लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग वाइल द फिट is on us. He took the money and gave it to another clerk. He made me write the sum on a slip and sign my name in a book. I no longer knew what I was doing. The bank swam before my eyes. Is it deposited? I asked in a hollow vibrating voice. It is, said the accountant. Then I want to draw a check. My idea was to draw out 6 dollars of it to present use, for present use. Someone gave me a checkbook. through a wicket and someone else began telling me how to write it out the people in the bank had the impression that i was an invalid millionaire i wrote something on the check and thrust it in at the clerk he looked at it ये हैं मैंने कहा इन्हें जमा कर लें मेरे अल्फाज का लहजा यूँ महसूस हो रहा था कि आओ हम ये तकलीफ दे काम सरंजाम दे ही दें जबकि हम पर ये दौरा पड़ा हुआ है उसने रकम उठाई और एक दूसरे क्लर्क को दे दी उसने मुझसे एक पर्ची पर रकम लिखवाई और एक किताब में दस्तख़त करवाए अब मैं इतना घबराया हुआ था इतना परेशान था कि मुझे कुछ नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ बैंक मेरी आंखों के सामने घूम रहा था क्या यह जमा हो गई है मैंने खोखली ली आवाज़ में पूछा ये हो गई है अकाउंटेंट ने कहा फिर मैं एक चेक निकलवाना चाहता हूँ मेरा ख्याल था कि वक्ती इस्तेमाल के लिए छः डॉलर निकलवा लूँगा तो किसी ने खिड़की में से चेकबुक मुझे दी और किसी और शख्स ने मुझे बताना शुरू किया कि इसे कैसे लिखना है बैंक में मौजूद लोगों का तासर था कि मैं एक माजूर करोड़पति हूँ मैंने चेक पर कुछ लिखा और उसे क्लर्क की तरफ धकेल दिया उसने इसे देखा फिट कहते हैं बच्चों दौरा पड़ना वाइब्रेटिंग कहते हैं कप हुई इम्प्रेशन तासुर इनवेलड माजूर डिसेबल्ड या बॉडीली अनफिट वट आर यू ड्राॅंग वॉट Are you drawing it all out again he asked in surprise then i realised that i had written 56 instead of 6 i was too far gone to reason now i had a feeling that it was impossible to explain the thing all the clerks had stopped writing to look at me reckless with misery i made a plunge yes the whole thing you withdraw your money from the bank every cent of it are you not going to deposit any more said the clerk astonished तो क्या क्या तुम दोबारा सारी रकम निकलवाना चाहते हो है? उसने हैरानी से पूछा तब मुझे समझ में आया कि मैंने छः की बजाय छप्पन लिख दिया था क्यों लिख दिया था बच्चों इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ घबराया हुआ परेशान था परेशानी में आपको अक्सर पता नहीं चलता कि आप कर क्या रहे हैं अब मैं मजीद बहस के काबिल ना था मुझे महसूस हो रहा था कि बात की वजाहत नामुमकिन थी तमाम क्लर्कों ने मुझे देखने के लिए लिखना बंद कर दिया था और जहनी परेशानी से बेपरवाह मैंने तेज़ी से कहा हाँ सारी रकम आप बैंक से अपनी रकम निकलवा रहे हैं एक एक पाई क्या तुम और मजीद कोई रकम जमा नहीं रखना चाहते क्लर्क ने हैरान होकर कहा टू फार गॉन टू रीजन कहते हैं बच्चों कि बहस के काबिल ना रहना था अब कोई रीज़न ही नहीं थी तो उसके पास मजीद बताने के लिए रैक्स कहते हैं तेज़ी में बेपरवाही में मिजरी कहते हैं सख्त मुश्किल मेड अ प्लंच कहते हैं तेजी और बेपरवाही में ज़ोर से कहा ठीक है जी एस्टोनिश्ड बहुत ज़्यादा हैराजा नेवर एन ईडियट होप स्ट्रक Me that they might think someone had insulted me while I was writing the check and I that I had changed my mind. I made a rushed attempt to look like a man with a fearfully quick temper. The clerk prepared to pay the money. How will you have it? He said, What? How will you have it? Oh, I caught his meaning and answered without even trying to think in 50s. He gave me a $50 bill. इसका तर्जुमा करते हैं बच्चों कभी नहीं एक अहमकाना उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद वही समझे कि मैं जब ये चेक लिख रहा था तो किसी बंदे ने मेरी तोहन कर दी थी और मैंने अपना इरादा ही बदल लिया वहाँ से उस बैंक से अपना अकाउंट खुलवाने का और उसको आगे चलाने के लिए तो मैंने फ़ौरी खौफनाक गुस्से में आ जाने वाले आदमी जैसा नजर आने की मायूसकन कोशिश की क्लर्क ने रकम अदा करने की तैयारी की आप किस सूरत में लेंगे उसने कहा क्या आप किस सूरत में लेंगे ओह मुझे उसका मतलब सामने आ गया और बगैर सोचने की कोशिश किए जवाब दिया पचास पचास के नोटों में And the six, he asked dryly uh, without any feeling or any interest. He gave it to me and I rushed out. As the big door swung behind me, I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. Since then, I bank no more. I keep my money in cash in my trousers pocket and my savings in silver dollars in a sock. और छः उसने खुश लज्जे में पूछा उसने मुझे दिए और मैं तेज़ी से बाहर निकलाया जैसे ही मैं पीछे मुड़ा और दरवाज़ा घूमा मेरे पीछे मेरे कानों में कहकों की ज़ोरदार गूंज आई जो बैंक की छत तक गई उस वक्त से अब तक मैं कोई बैंक नहीं कर रहा हूँ और मैंने अपनी नकद रकम पतलों की जेब में रखता हूँ और जो बचत होती है एक्स्ट्रा पैसे वो चांदी के डॉलरों में एक जुराब के अंदर रखता हूँ ठीक है बच्चों यानी वो इतना घबराया हुआ था और उस वहाँ पे सूरत हाल के बाद इतना घबरा गया कि उसने आइंदा मुस्कबिल में बैंक में पैसे रखने का इरादा ही तर्क कर दिया रश्ट कहते हैं बच्चों मायूसी में टेम्पर कहते हैं जी मिजाज रश्ट आउट कहते हैं तेजी से बाहर निकल आया स्वंग कहते हैं घूमा टर्न इको कहते हैं बच्चों रेपिटीशन ऑफ साउंड या गूंज ठीक है जी ये इस तरह से जी आपका ट्रांसलेशन ख़त्म हुई है आपके सेकेंड सेवन्थ चैप्टर की उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं बच्चों जो आपके चैप्टर के एंड पे दिए हुए हैं वट लाइट डू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन थ्रो ऑन लीकॉक्स स्टेट ऑफ माइंड वेन ही एंटर द बैंक लुक टिमिडली अराउंड शैम्बर्ड इन और या दूसरा भी आपका इसका सवाल आ सकता है कि वाई डिड द राइटर गेट नर्वस ऑन एंटरिंग द बैंक अब इसका जवाब ये होगा बच्चों सवाल क्या पूछ रहे हैं आपसे कि वाट से शुरू हो रहा है आपका सवाल कि बुजुर्गों के देखना और खड़ाना जो है वो लिखो की जहनी कैफियत पर क्या रोशनी डालते हैं जब वो बैंक में दाखिल हुआ तो अब आपने ये देखा होगा बच्चों कि ये आपका सारा सवाल जो है ये पास्ट टेंस में जा रहा है तो आपका जवाब भी डेफिनेटली पास्ट टेंस में होना चाहिए लिकॉक लुक्ड फेयरफुली अराउंड बिकॉज दिस वॉज हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ठीक है ये जब बिल्कुल स्टार्ट का आपका पैराग्राफ है उसमें जब वो एंटर होता है बैंक में तो ये उस वक्त की कैफियत बयान की जा रही है कि लीकॉक लुकड फेयरफुल फेयरफुली अराउंड बिकॉज दिस वॉज हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ही हैड नेवर बीन टू अ बैंक ही वॉकड इन स्लोली एज ही डिड नॉट नो हाउ ही माइट बी ट्रीटेड इन साइड ठीक है वो डर इसलिए रहा था क्योंकि बच्चों उसका पहला तजर्बा था वो इससे पहले कभी बैंक में नहीं गया था वो बहुत आहिंदगी के साथ बैंक के अंदर गया क्योंकि उसको ये नहीं मालूम था कि अंदर जाके उसके साथ क्या सलूक होगा ठीक है बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर है डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट हैड एन ऑफ फुल टू रिवील तो मैनेजर को क्यों लगा कि लीकॉक के पास कोई नाखुशगवार राज है ठीक है वाई क्यों और फिर ये क्वेश्चन आपका पास टेंस में है आपने जवाब भी इसका पास टेंस में देना होगा लिकॉक एंटर द बैंक इन अ स्ट्रेंज मैनर ठीक है ये भी आपके स्टार्टिंग पैराग्राफ्स में से ही इसका जवाब होगा दैन ही सेट दैट ही वॉन्टेड टू सी द मैनेजर अ लोन द मैनेजर बिगेन फीलिंग दैट लिकॉक हैड सम्रेट टू टैल ठीक है बड़े अजीब अंदाज में दाखिल हुआ था पे उसने जब मैनेजर से कहा कि वह तन मिलना चाहता है तो मैनेजर को ये महसूस होना शुरू हो गया कि शायद कोई राज है उसके पास उसको बताने के लिए वट वॉज द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर टू वर्ड लीकॉक ऑन लर्निंग दैट ही वेस्ट टू डिपॉजिट ओनली फिफ्टी सिक्स डॉलर इन द बैंक अब मैनेजर का लिकॉक के साथ क्या रवैया था जब उसको ये पता चला कि वो सिर्फ और सिर्फ छप्पन डॉलर बैंक में जमा करवाना चाहता है तो ये भी आपका बच्चों थर्ड फोर्थ पैराग्राफ को आप पढ़ें और से द मैनेजर थाट लिकॉक वांटेड टू ओपन अ लार्ज अकाउंट बट ही वॉज अनहैप्पी टू फाइंड दैट ही वॉन्टेड टू डिपॉजिट ओनली फिफ्टी सिक्स डॉलर्स सो ही बिकेम अनफ्रेंडली टू हिम अब मैनेजर ने बच्चों ये ख्याल किया कि शायद लिकॉक बैंक में कोई भारी अकाउंट करवाना चाहता है जब भी वो उसको एक तरफ कोने में भी ले गया अकेले में भी मुलाकात की उससे लेकिन अब उसको पता चला कि वो सिर्फ छप्पन डॉलर जमा कराना चाहता है तो फिर उसका रवैया जो है वो उसके साथ गैर दोस्ताना हो गया वट अदर ब्लंडर्स डिड लिकॉक कमिट आफ्टर लिविंग द मैनेजर्स ऑफिस के मैनेजर का दफ्तर छोड़ने के बाद लीक बेचारा जो घबराया हुआ परेशान था पहले से ही उससे और क्या क्या गलतियाँ सरजद हुई तो ली वॉकड इन टू द बैंक सेफ द मैनेजर आस्ट हिम टू कम आउट एंड वॉक द अदर वे ही डिपॉजिटेड हिज फिफ्टी सिक्स डॉलर सोन वॉन्टेड टू ड्रा सिक्स डॉलर बट ड्रू फिफ्टी सिक्स डॉलर अब लीकॉक पहले तो घबराहट में बच्चों जो है वो बैंक की तिजोरी तो वाले कमरे में चला गया मैनेजर ने उसे बाहर आने को कहा दूसरे रास्ते पर जाने को कहा तो उसने घबराहट में छप्पन डॉलर ही जमा करा दिए जबकि वो छः डॉलर अपने पास रखना चाहता था उन्हें करवाना चाहता था लेकिन जब दोबारा निकलवाया उसने तो फिर पूरे छप्पन डॉलर ही उसने निकलवा ली ठीक है जी आफ्टर हिज मिस एडवेंचर इन द बैंक वेयर डिड लीकॉक कीप हिज मनी ठीक है जी जो बैंक में उसने उसके साथ जो मिस एडवेंचर हुआ जो हादसा हुआ उसके बाद लिकॉक ने अपना पैसा कहाँ रखा कमेंट ऑन दिस द राइटर कैप्ट हिज मनी इन कैश इन इज ट्राउजर्स पॉकेट ये भी आपने लास्ट में बिल्कुल आज वाले लेक्चर में भी सुना है कि अपने ट्राउजर के पॉकेट में रखता था वो ही कैप्ट हिज सेविंग्स एंड सिल्वर डॉलर्स इन अ अग he did it like an illiterate villager. he did not want to know the importance of banks. अब वो अपना सारा पैसा अपने कैश की शिकल में मतलब की जेब में रखता था और जो कोई सिक्के वगैरह होते थे ठीक है तो वो उनको अपने जुराबों में रखता था और वो ऐसा एक बिल्कुल अनपढ़ देहाती की तरह करता था क्योंकि वो बैंकों की अहमियत के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता था ठीक है बच्चों अब आपका लास्ट क्वेश्चन है गिव एज़ मनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन टू शो दैट लीकॉक वॉज फीलिंग कम्प्लीटली लॉस्ड इन द बैंक ऑल द टाइम ही वॉज देयर अब आप मिसालें देखे साबित करें कि बिल्लिक और जितना वक्त बैंक में रहा वो मुकम्मल तौर पर हवास बाखता रहा। को एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ जो है वो वहाँ पर कोई बातचीत की हो द राइटर वॉकड इन अनश्योर ऑफ वट ही हैड टू डू पहले तो जब बंदा दाखिल हुआ उसको यकीन नहीं था उसने करना क्या ही टोल्ड द मैनेजर दैट ही वॉन्टेड टू सी हिम अलोन देन ही वॉकड इन टू द सेफ ही डिपोजिटेड फिफ्टी सिक्स डॉलर पर ड्रू आउट ऑल ठीक है मुस्नेफ की जाने बगैर कि वो करने के आया है तो बैंक में आ गया फिर उसने कहा वो मैनेजर से तन्हाई भी मिलना चाहता है फिर वो बाहर निकलने के बजाय खुली हुई सेफ के अंदर घुस गया फिर उसने बजाय फिफ्टी डॉलर जमा कराने के पूरे फिफ्टी सिक्स डॉलर्स जमा करवा दिए लेकिन सारे पैसे दोबारा फ़ौर निकलवा लिए तो ये सारी हरकतें जो हैं बच्चों ये उसकी नर्वसनेस को शो कर रही हैं ठीक है उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे इनको ध्यान के साथ सुनिए और अपनी कॉपीज़ में लिखिए और याद कीजिए इन्हें ठीक है अब इस वक्त आज के आपके ईडियम्स पांच ईडियम्स जो हैं 101 से 105 तक वन ज़ीरो वन है बच्चों कॉक एंड बुल स्टोरी मन घड़त कहानी ऐसी कहानी जो ख़ुद अपनी तरफ से आपने घड़ी हुई हो वन जीरो टू है बच्चों कम ऑफ़ एज कम ऑफ़ एज को कहते हैं बच्चों बाले हो जाना वन जीरो थ्री कम टू ब्लोज हाथा पाई पर उतर जाना लड़ाई मुक्के हतम पेल जो है ना ये शुरू कर देना कम टू लाइट मंजर आम पर आना ठीक है एंड कम टू पास पेश आना या वाक़ होना ठीक है जी ये फाइव वीडियम्स हैं इनके सेंटेंसेस बनाइए इनकी मीनिंग्स याद कीजिए और अच्छी तरह इनको याद करके लिखिए ये आपके वो दस नंबर हैं जो आप पूरे पूरे मैथ्स के क्वेश्चंस की तरह आप इनको हासिल कर सकते हैं अगर आप शुरू से विजिलेंट रहे इनको याद करने में अच्छा जी नाउ ये वी हैव डिस्कसड प्रपोजिशंस इन डिटेल एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स इन विच वी डिस्कस्ड शॉर्ट प्रपोजिशंस double prepositions verbs ending in ing as prepositions compound prepositions and phrasal prepositions and i hope you will have understood that uh, today we will discuss prepositional endings yani haruf e rabti ikhtitam par kaise istemal hote hain so we find sentences in the hundreds which end with prepositions ठीक है तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं इसमें आपको जो मैं समझाऊंगी उसको आपको least जो है वो Uh, आपने uh, इसके कम अज़ कम दो दो जुमले जो अपने प्रैक्टिस के तौर पर आप लोगों ने बनाने होंगे ठीक है बच्चों अच्छा जी आज हम शुरू करेंगे जी प्रपोजिशनल एंडिंग्स या हरूफ़ रब्ती इख्ताम वगैरह तो बहुत से जुमलों के आखिर में ख़ूबसूरती के साथ हरूफ़ रब्त इस्तेमाल होते हैं ठीक है और द प्रपोजिशन कैन बी शिफ्ट टू द एंड ऑफ द सेंटेंस विच क्लास डू यू स्टडी इन ठीक है एंड में कैसे ये शिफ्ट हुआ जब आपने स्टडी के बाद इन लगाया तो इन एज अ प्रपोजिशन द सेंटेंस कुड हैव बीन इन विच क्लास डू यू स्टडी यानी आप ऐसे भी लिख सकते थे इस जुमले को कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं लेकिन द प्रपोजिशन इन shifted from द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस टू द एंड ठीक है बच्चों अच्छा फिर है दूसरी इसकी अब आपने इसी पैटर्न uh, को लेकर दो चार जुमले आपने खुद बेपने अपने सेंटेंसेस बनाने हैं और अपनी असाइनमेंट तैयार करनी है ठीक है फिर है जी समाइम्स द प्रपोजिशंस कम्स एट द एंड विदाउट बींग शिफ्ट कि आपको यानी जामबूज के शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती वो ऑटोमेटिकली ही जुमले के आखिर में सेट हो रहे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल दिस फर्नीचर विल सून बी डिस्पोज्ड ऑफ ठीक है कि डिस्पोज के बाद ऑफ़ जो आ रहा है ये डिस्पोज्ड ऑफ होना ये प्रपोजिशन है आपकी ठीक है तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वट यू आर अप टू ठीक है बच्चों कि मैं नहीं समझ सकता uh, समझता कि आप क्या कुछ खुफिया तौर पर करने पे तुले हुए हैं तो ये इनमें ऑटोमेटिकली जब वो प्रपोजिशन आपके जुमले के एंड में आई है आपने भी इसी तरह के मिलते जुलते दो एटलीस्ट सेंटेंस अपनी कॉपीज में लिखने हैं ठीक है ठेके? फिर तीसरी तरह जब आप प्रपोजिशन एंडिंग इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होता है द प्रपोजिशन यूली कम्स एट द एंड ऑफ क्वेश्चन स्टार्टिंग विद वॉट हुन हाउ एंड एक्सक्लेमेशन और एक्सप्रेशन विद रिलेटिव प्रोनाउंस इन्फिनेटिव एंड पैसिव स्ट्रक्चर्स ठीक है आमतौर पर आपके जुमले जो क्वेश्चन uh, वाले वर्ड्स से शुरू हो रहे होते हैं ठीक है उनमें भी आमतौर तो पर ये जो प्रपोजिशन आपकी एंड में आ जाती है फॉर एग्जाम्पल वट वर दे लुकिंग एट ठीक है अब लुकिंग एट एट जो है वो आपकी प्रपोजिशन है हु डू यू वॉन्ट टू प्ले विद वेन आर माई वर्ड्स गोइंग टू बी लेसन टू ठीक है हाउ ब्यूटिफुल टू लुक एट ये अब आपकी कुछ बच्चों सेंटेंसेज uh, हैं आपने इसी तरह से मिलते जुलते इन तीनों फॉर्म्स के जो प्रपोजिशनल एंडिंग्स में मैंने आपको बताई है जिसमें एक क्या होता है द प्रपोजिशन कैन बी शिफ्टेड टू द एंड ऑफ द सेंटेंस नंबर टू समाइम्स द प्रपोजिशन कम्स एट द एंड विदाउट बींग शिफ्टेड एंड नंबर थ्री द प्रपोजिशन कम्स एट द एंड ऑफ क्वेश्चन स्टार्टिंग विद वॉट हुन हाउ एंड एक्सक्लमेशन और एक्सप्रेशंस ठीक है बच्चों तो इन सब के आपने समझना है इन्हें ध्यान से पढ़ना है अपने अपने ग्रामर के बुक्स को में से दोबारा आप इसको पढ़ लीजिएगा समझ लीजिएगा ठीक है और इनके एटलीस्ट आपने दो दो सेंटेंसेस ख़ुद बनाने हैं तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपकी समझ में आ गया होगा तो इन ताला आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में अल्लाफ़